हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा प्यू टेक्निकल। आज की वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स की। यदि हम क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट में जो है काफ़ी अभी जो है हाल फिलहाल काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है। लास्ट यदि हम 20 से 25 दिन की बात करें तो बिटकॉइन और एल्स कॉइन में जो है काफ़ी ग्रीन हमें दिखाई दे रहा है। तो यदि हम क्रिप्टो मार्केट की कैप की बात करें तो इसकी जो टोटल कैप वो 1.05 ट्रिलियन की हो चुकी है। यदि मैं प्रीवियस वीडियो की बात करूँ तो उस टाइम भी जो है लगभग सिमिलर ही था। इसकी जो कैप थी यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है इसके अंदर जो है वो 1.05 ट्रिलियन डॉलर का आ चुका है। और यदि हम इसमें बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो 41% से ज़्यादा है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तब भी ये लगभग इतना ही था। और इसकी कैप की बात करें तो तब भी लगभग जो है सिमिलर ही था, थोड़ा बहुत ही अंतर था। बिटकॉइन की प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का जो प्राइस है अभी वो 23,080 डॉलर चल रहा है। यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो 29 जनवरी में इसका जो प्राइस है इसने अपना मैक्सिमम पार किया था 23,960। यहाँ तक इसका प्राइस जो गया उसके पश्चात जो थोड़ा डाउन हुआ। यदि हम लास्ट 24 आवर की बात करें तो उसमें जो मार्केट है वो 9.53% जो है वो गिरी है। इसके पीछे का हम जो कारण मान सकते हैं कि अभी जो है आज की डेट में जो है वो FOMC की मीटिंग है, उसमें हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं थोड़े से और भी स्लो किया जाए, यानी कि उसको जो है उदार किया जाए। उनको जो है काफ़ी हार रखने का जो है वो जेरोम पावेल जी का कोई इरादा भी नहीं है, उन्होंने ये अपनी इच्छा जो है वो पहले ही जाहिर कर चुके हैं। तो इसलिए क्रिप्टो मार्केट की जो है यदि कोई ऐसी कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो क्रिप्टो मार्केट में जो है हमें और भी अच्छा जो है वो ग्रीन सिग्नल दिखाई दे सकते हैं। और जो बिटकॉइन का जो प्राइस है अभी जो है ये 24,000 डॉलर के जो आंकड़ा है इसको पार कर सकता है। और यदि ये 24,000 के आंकड़े को पार करके 25,500 का जो इसका मेजर रेसिस्टेंट है उसको यदि ये ब्रेक कर देता है तो फिर जो है हमारे लिए जो है इन्वेस्टमेंट करना, चूँकि हमने अभी अपना सारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो वहाँ से जो है हम इसमें और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमारे लिए जो है एक अच्छी रैली यहाँ से जो है हमको दिखाई पड़ सकती है। लेकिन यदि हम देखें यदि हम ओवरऑल देखें तो मार्केट में जो है बिटकॉइन भी काफ़ी तेज़ी से जो है वो पंप हो रहा है, 23,000 से भी पार कर चुका है। लगभग 22.5 से लेके 23, 23.5 के बीच में जो है मोमेंट में है। और यदि हम लास्ट 2 से 3 डेज की बात करें तो ये 21,000 से 23,000 के बीच में जो है पूरी मोमेंट कर रहा है। लेकिन जो है जो इसकी टोटल कैप है वो 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही। इसका जो बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी, खाली बिटकॉइन के पंप होने से एल्स कॉइन जो है हालांकि 2 से 3 गुना तक जो है वो बढ़े हैं, कोई 3x हुआ है, कोई 2x हुआ है। तो एल्स कॉइन जो है वो काफ़ी उसमें जो है रैलियाँ आई हैं, लेकिन उतनी लंबी और अस्थिरता अभी जो है मार्केट में नहीं आई कि हम जो है यहाँ से एक बड़ा प्रॉफिट जो है गेन कर सके। हालांकि जिन लोगों ने आपसे 10-15 दिन पहले जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उनमें कुछ कॉइनों में तो जो है वो 2 से 3 गुना तक का प्रॉफिट जो है आपको हो चुका होगा। यदि हम मेजर कॉइन्स की कुछ बात करें तो BTC की यदि हम बात करें तो ये 23,060 अभी डॉलर चल रहा है। इथेरियम की यदि हम बात करें तो ये 1580 USDT पे भी ट्रेडिंग कर रहा है। हालांकि इसने जो है 1600 डॉलर से भी ऊपर का आंकड़ा पार कर लिया था लेकिन वहाँ से थोड़ी सी क्रैश हुई। उसके बाद यदि हम बात करें BNB कॉइन की तो अभी जो है इसका प्राइस जो है 307 USDT चल रहा है और ये जो है 323 USDT से जो है वो वापस यहाँ से गिर के आया है। यदि हम इंपॉर्टेंट कॉइन की आगे की बात करें तो यदि हम मेटिक की बात करें तो मेटिक का जो प्राइस है 1.08 USDT हो चुका है। जब मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो बनाई थी तब इसका प्राइस जो है वो 1 डॉलर से नीचे था, लगभग 0.90 USDT था। तो यहाँ से जो है कुछ लोगों ने अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन किया होगा। उससे पहले जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी तब इसका जो प्राइस है वो ½ डॉलर था। तो जिन लोगों ने इसमें किया होगा उनको 100% का प्रॉफिट अवश्य हुआ होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें गाला की तो ये जो गाला कॉइन है इसका जो अभी प्राइस है वो 0.052 USDT चल रहा है। और यदि हम इसकी बात करें तो इसमें जो है काफ़ी प्रॉफिट जो है लोगों ने कमा हुआ। लगभग एक बार जब इसका प्राइस जो है 0.012 USDT तक चला गया था, यदि उन लोगों ने वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट किया होगा तो लगभग उसको जो है 4x के आसपास जो है आपको प्रॉफिट हो गया होगा। यदि आपने उसके बाद भी 0.016 पे भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो भी आपको जो है वो लगभग 3x के आसपास जो है यहाँ से प्रॉफिट हुआ होगा। तो इन कॉइन में भी जो है काफ़ी अच्छी रैली जो है वो आई है। नेक्स्ट यदि हम कुछ एल्स कॉइन्स की बात करें, यदि हम बात करें मार्क्स कॉइन की बात करें तो मार्क्स कॉइन का जो प्राइस है वो अभी 4.29 USDT चल रहा है। तो इसमें भी जो है काफ़ी अच्छी जो है मोमेंट है। और ICP कॉइन की बात करें तो जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी
तब इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम था, प्रीवियस वीडियो में भी इसका बताया था मैंने। अब इसका जिसका प्राइस है 5.80 USDT हो चुका है। नेक्स्ट ईटीएम बात करें सैंड बॉक्स की, तो इसका जो प्राइस है वो 0.70 USDT हो चुका है। इसमें भी काफ़ी अच्छा जो है मोमेंट आया है, हालांकि इसमें जो है अभी कई गुना पेमेंट नहीं हुआ है, सैंड बॉक्स में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन जो है यदि हम माना की बात करें तो माना में जो भी काफ़ी अच्छी रैली जो है इसमें अभी भी रिसेंटली है, और इसके भी जो है काफ़ी आगे जो है प्राइस मूवमेंट की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट यदि हम बात करें LRC की, देखना चाहे तो यदि हम ओशियन प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 0.34 USDT, और यदि हम फ्लक्स कॉन की बात करें तो इसका जो प्राइस है 0.90 USDT हो चुका है। तो ये जो कुछ इंपोर्टेंट कॉइन थे एंड्स कॉइन जिनमें जी हम जो है यदि हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा, और यदि हम नेक्स्ट जो है 2024 के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इनमें जो है हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इनमें जो है एक अच्छी एंट्री जो है वो इन एंड्स कॉइन में बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें कि मार्केट जो है अभी चूंकि गिरी नहीं है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है एक जंप यहाँ से जो है वो हो सकता है कि थोड़ी सी क्रैश हो जाए, तो उससे जो है ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केट क्रैश नहीं होगी तो नई एंट्री कहाँ से आएगी। मैं पहले से यही बोलता रहा हूँ कि कोई भी मार्केट है जो बन गई है वो कभी मार्केट ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब बिटकॉइन का प्राइस लगभग जो है वो 16,000 से नीचे चला गया था तो काफ़ी फियर जो है वो लोगों के अंदर था, लोग कह रहे थे कि अब तो क्रिप्टो मार्केट ख़त्म हो जाएगी। मैं तभी बोल रहा था कि कोई भी मार्केट यदि बनती है तो वो ख़त्म नहीं होती, उसमें जो है करेक्शंस आते रहते हैं, वो करेक्शंस और उतार चढ़ाव आना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो नई एंट्री कहाँ से आएंगे और जो वेल्थ है वो पैसा कहाँ से कमाएंगे, और इस तरह से जो मूवमेंट है वो आने भी जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपनी जो भी एंट्री बनाएं वो थोड़ी सी सावधानी से बनाएं, और साथ में अपना जो है स्टॉप लॉस अवश्य लगा के रखें, ताकि आपको जो है कोई भी मार्केट यदि क्रैश भी होती है तो ज़्यादा जो है वो आपको नुकसान ना हो। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी ओपिनियन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन अवश्य दें, और अवश्य जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मार्केट के बारे में क्या लगता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।